सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल विनायक मूवीज अपडेट। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 हॉरर मूवीज जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इन टॉप 10 मूवीज में से 7 मूवीज तो हिंदी में अवेलेबल हैं और बाकी 3 मूवीज इंग्लिश में अवेलेबल हैं, लेकिन उन 3 मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और सभी मूवीज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और सच में मूवीज काफ़ी अमेजिंग और हॉरर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नंबर 10 पर है स्लीपिंग ब्यूटी। 2014 में मूवी आई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 3 out of 10। एक्शन फैंटेसी हॉरर पर ये बेस्ड मूवी आपको बोर नहीं होने देगी और इस मूवी का रन टाइम है 89 मिनट्स। और इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो इसमें एक प्रिंसेस होती है जिस पर एक कर्ज होता है, तो उसे एक प्रिंस बचाने आता है जिसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे उसे इविल क्वीन से लड़ना पड़ता है, उसके मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है, तो क्या वो उसे बचा पाता है नहीं, वो आप इस मूवी में देखिए। नंबर 9 पर है रॉबर्ट मूवी। 2015 में ये मूवी रिलीज हुई थी और इसका जॉनर है हॉरर। 1 hour 34 minutes की ये मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 3.1 out of 10। और इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें, एक फैमिली एक विंटेज डॉल को खरीदती है और उसके बाद उन्हें हॉरर एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाते हैं। उन्हें कुछ घर में अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती है, तो उसके बाद क्या होता है आप इस मूवी में देखिए। नंबर 8 पर है द पोजिशन एक्सपेरिमेंट। 2016 में मूवी आई थी, इसका जॉनर है हॉरर और थ्रिलर। ये मूवी 1 hour 24 minutes की है और इसकी IMDb रेटिंग है 3.5 out of 10। इस मूवी की स्टोरी ये है, इसमें एक लड़का होता है जो अपने आप को ही पोजेस कर लेता है, यानी अपनी ही बॉडी को शैतान को दे देता है। तो उसके बाद क्या होता है, शैतान उसकी बॉडी में आता है या नहीं, क्या वो बचता है नहीं, वो आप इस मूवी में देखिए। दोस्तों ये मूवी इंग्लिश में है, लेकिन आपको इस मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है चार्लीज फार्म। 2014 में मूवी आई थी, इसका जॉनर है हॉरर स्लैशर। 1 hour 33 minutes की ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.6 out of 10। और इस मूवी की स्टोरी है, चार दोस्त चार्लीज फार्म में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन यही घूमना उनके लिए एक बड़ी गलती बन जाती है। वहां पर मिलता है उन्हें कैनिवाल, यानी जो इंसानी मांस खाता है। जो भी अब तक वहां पर गया है वो कभी लौट कर नहीं आया है, लेकिन ये चारों भी जाते हैं वहां पर अपना दमखम दिखाने, तो क्या ये वहां से लौट पाते हैं नहीं, वो आप इस मूवी में देखिए। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है हुडैम मूवी। 2015 में मूवी आई थी, इसका जॉनर है मिस्ट्री हॉरर। 1 hour 53 minutes की ये मूवी है और 4.4 out of 10 इसकी IMDb रेटिंग है। ये मूवी एक टर्किश मूवी है, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी इंटरेस्टिंग मूवी होगी। जी हाँ, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। इस मूवी की स्टोरी है, इसमें एक सन होता है जो प्रैक्टिस करता है जेविश माइथिज्म की, और उसकी मदर बोलती है एंशंट लैंग्वेजेस में, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ अजीब सी ताकतें आ जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है आप इस मूवी में देखिए। नंबर 5 पर है द हेरेटिक्स। ये मूवी 2017 में आई थी, इस मूवी का जॉनर है हॉरर और ये मूवी 1 hour 27 minutes की है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.7 out of 10। इस मूवी की स्टोरी है, एक कल्ट एक लड़की को किडनैप कर लेता है और उसका सेक्रीफाइस करता है लोकस्ट मून की नाइट को, लेकिन कुछ सालों बाद उसे दोबारा से किडनैप कर लिया जाता है और इस बार उसके अंदर डीमन आता है या नहीं, वो आप इस मूवी में देखिए। सच में ये मूवी ज़बरदस्त कमाल की मूवी है। आपको इसमें कल्ट देखने को मिलेगा जिसे देखने में सच में बहुत मज़ा आता है। नंबर 4 पर है द पोजिशन ऑफ हाना ग्रेस। 2018 में ये मूवी आई थी, इसका जॉनर है हॉरर थ्रिलर। 1 hour 25 minutes की ये मूवी है और आपको 125 minutes ही आपको डर लगेगा ये मूवी देखते हुए। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.2 out of 10। इस मूवी की स्टोरी है, इसमें एक लड़की होती है जिस पर एक डीमन कब्जा कर लेता है, उसके बाद उस पर एग्जॉर्सिज्म किया जाता है और वो मर जाती है, लेकिन डीमन उसके अंदर ही रहता है। और उसके बाद क्या होता है आप इस मूवी में देखिए। दोस्तों अब तक जितनी मूवीज आई हैं या होंगी, उनमें से ये मूवी मुझे सबसे ज़्यादा हॉरर लगती है। आपको लगती है नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नंबर 3 पर है द मम्मी। 2017 में ये मूवी आई थी,
इसका जॉनर है एडवेंचर एक्शन हॉरर। इस मूवी का रन टाइम है 1 आवर 51 मिनट्स और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10। इस मूवी की स्टोरी है, इसमें एक ताबूत होता है मम्मी का जिसे हवाई जहाज से उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद इनका टाइम खराब आ जाता है और मम्मी कर देती है इन पर हमला क्योंकि वो हो चुकी होती है जिंदा। तो उसके बाद क्या होता है आप इस मूवी में देखिए। ये मूवी कमाल की मूवी है क्योंकि इसमें टॉम क्रूज है। नंबर 2 पर है ऑक्यूलस मूवी। 2013 में ये मूवी आई थी। इसका जॉनर है हॉरर थ्रिलर और इस मूवी का रन टाइम है 1 आवर 45 मिनट्स और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी में एक मिरर होता है जो बहुत एंटी होता है और साथ ही वो हॉरर भी होता है। उसके पास जो भी होता है वो उसे पोजेस कर लेता है या किसी न किसी तरीके से उसे मार देता है। तो इसमें दो भाई बहन होते हैं जो बचपन में तो उससे किसी तरह बच जाते हैं लेकिन 10 सालों बाद वो उसी घर में वापस जाते हैं। तो क्या वे दोबारा उससे बच पाते हैं नहीं, वो आप इस मूवी में देखिए। दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद आपको अपने शीशे पर भी जरूर शक होगा क्योंकि ये शीशा है ही इतना खतरनाक। और नंबर 1 पर है ऑर्फन मूवी। 2009 में ये मूवी आई थी। हॉरर थ्रिलर पर ये बेस्ड मूवी 2 आवर 3 मिनट्स की मूवी है। 6.9 आउट ऑफ 10 इसकी आईएमडीबी रेटिंग है। इस मूवी में कपल होता है जो एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं लेकिन वो जल्दी ही पाते हैं कि वो एक बहुत ही मिस्टीरियस टाइप लड़की है और उसके बारे में उन्हें बहुत खतरनाक बातें पता चलती हैं। तो ये बहुत खतरनाक बातें क्या हैं वो आप इस मूवी में देखिए। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 हॉरर मूवीज जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।